पुलिस की लाख सख्ती और सख्त हिदायत के बावजूद प्रदेश में बच्चा चोरी की अफवाहों में बेगुनाहों पर हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने पिकअप सवार आधा दर्जन से अधिक मजदूरों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना। घटने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर सभी मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां गंभीर रूप से घायल 9 मजदूरों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। शराब की दुकान पर बच्चा चोरी के शोर पर भड़की भीड़ ने एक मजदूर की पीट पीट कर हत्या कर दी, जिसमें 2 को गंभीर हालत में देखकर लखनऊ रेफर कर दिया गया है। उग्र भीड़ ने बच्चा चोर गिरोह के शक में पिकअप गाड़ी से जा रहे लोगों को ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा कर बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिससे पिकअप गाड़ी पर सवार 9 मजदूर बुरी तरह से ग्रामीणों द्वारा पिटाई के बाद घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पीपरपुर थाने की पुलिस ने घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करवाया। गांव में तैनात पुलिस की स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। दरअसल मामला पीपरपुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव का है, जहां पर गंगा गायत्री संस्थान के लोग, जो कि यूपी में पावर कॉर्पोरेशन के लिए ठेके पर काम करते हैं, लगभग 12 से 13 की जनसंख्या में प्रतापगढ़ से काम करके वापस अपने मुकाम पर लौट रहे थे। तभी रास्ते में अमेठी जिले के पीपरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हीरापुर में दारू के ठेके के पर रुक कर शराब पीने के लिए गए थे, जहां पिकअप सवार मजदूरों की सेल्समैन से कहासुनी हो गई। इस पर पिकअप सवारों ने सेल्समैन को जबरन गाड़ी में बैठाने की कोशिश की। उसने खुद को बचाने के लिए बच्चा चोर कहकर शोर मचा दिया। इस पर ग्रामीणों ने मजदूरों को लाठी डंडों से पीटकर मरणासन्न कर दिया। गांव वालों ने बच्चा चोर गिरोह समझकर पिकअप सवार 9 लोगों की दौड़ा दौड़ा कर बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिससे 9 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका प्राथमिक इलाज CHC भटेवा में होने के बाद डॉक्टरों की हालत गंभीर को देखते हुए अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां एक मजदूर की मौत हो गई जबकि 2 लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। विभाग के मजदूर थे जी, ये हमको कल शाम को ये सूचना मिली कि गांव अमिया माफी में मजरा लोधीपुर थाना पीपरपुर में ये कुछ गांव वाले मिलकर 10-12 लोगों को पीट रहे हैं। तत्काल वहाँ थाने की फोर्स के साथ CO वहाँ मौके पर पहुँचे और जिन लोगों को पीटा जा रहा था उनको वहाँ मौके से निकाला गया और तत्काल पीपरपुर के नियर CHC में शिफ्ट करा दिया गया। उसके बाद वहाँ जांच की गई कि वहाँ इस तरह की घटना क्यों हुई, तो ये तथ्य प्रकाश में आए कि ये लोग लेबर थे और वहाँ के अभियंता जो थे वो बिजली का कुछ काम कराने के लिए, वायरिंग कराने के लिए इनको लेके आए थे। जब इनके द्वारा ये काम किया जा रहा था तो किसी बात को लेकर इनके गाँव वालों से आपस में बहस हो गई। वही बहसबाजी जो बढ़ते चलते वो मारपीट का रूप ले लिया और गाँव वालों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। इस संबंध में पीपरपुर थाने पर मुकदमा कायम करा दिया गया है और उसमें 7 लोग नामजद हैं, जिन 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ अज्ञात थे। उन अज्ञात में भी 2 लोग इसमें आइडेंटिफाई हुए हैं, उन लोगों को भी अरेस्ट किया गया है। जो 12 लोग जिनकी पिटाई हुई थी उनमें से एक आदमी की मृत्यु हो गई है, सियाराम सोनभद्र के रहने वाले, और उसमें 2 लोग क्रिटिकल हैं जिनको लखनऊ रेफर कर दिया गया है। बाकी 9 लोगों का उपचार यहीं अमेठी जिले में CHC गौरीगंज में चलाया जा रहा है। इसमें जो भी अफवाह थी ऐसी कोई मौके पर इसमें कोई सत्यता नहीं थी और बच्चा चोरी की अफवाह का पूर्णतया खंडन किया जाता है। ऐसा कोई गैंग यहाँ प्रचलित नहीं है और ना ही बच्चा चोरी जैसी कोई अफवाह यहाँ पर फैलने दी जा रही है। जो भी इस अफवाह को फैला रहा है या इसको प्रोपगेट करने की कोशिश करेगा तो इसके विरुद्ध भी पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।